नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आत्मातपुर विधानसभा एक खास विधानसभा है जिसका पूरी तरीके से एरिया काफी बड़ा है और इस विधानसभा में शहर और देहात दोनों लगते हैं। 2012 के चुनाव में आत्मातपुर सीट पर कड़ा मुकाबला रहा। भाजपा के राम प्रताप सिंह चौहान ने 2017 में यहां परचम फहराया था और इस बार क्या है जनता का मूड, जरा देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनावी बिगुल फूक चुका है। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। इंडिया न्यूज की टीम इस समय आगरा के एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में है। हम कर रहे हैं चुनावी चकलस, लोग हमारे साथ हैं, जनता है, ये किसको इस बार यहाँ से चुनकर भेजेगी विधानसभा में। जी आप बताइए, किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे इस बार, क्या रहेगा? मेरा नाम अमित लोधी है और हमारा क्षेत्र के मुद्दे, एक तो जल समस्या काफ़ी है यहाँ पे, पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ। आज भी देखते हो आप, आए दिन पेपरों में छपता रहता है कि पानी के लिए लाइन लगाते हैं लोग, तो सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। विधायकी ने कार्य किया है, ऐसी बात नहीं, विधायकी ने कार्य नहीं किया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कार्य हो गया है। काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं अभी भी रह गए हैं जिनमें अभी काफ़ी काम की आवश्यकता है और कार्य नहीं हुआ है। और जैसे क्षेत्र देहात क्षेत्रों में ज़्यादा काम किया है समझे, लेकिन सिटी के क्षेत्र हैं, नगर निगम के क्षेत्र हैं, इनमें भी काम की काफ़ी आवश्यकता है। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में कौन सिंहासन बैठेगा, अखिलेश, मायावती या फिर से योगी? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी राजनीति भी भाजपा की भी कुछ ऐसी डिफिकल्ट दिख रही है हमें कि योगी जी के लिए भी पिछड़ी जाति का काफी साफ नहीं करना चाह रहे अभी कि कौन बैठेगा गद्दी पर। आप बताइए, आप युवा हैं तो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे आप? गुंडागर्दी एक तो पहले कम हुई है जी। और बीजेपी 100% आएगी यूपी में, इससे वोट करेंगे हम तो। क्यों नहीं, अखिलेश के राज्य में ज्यादा गुंडागर्दी ज्यादा हुई है, गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं अखिलेश। नहीं, आप बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, विधायक जी ने क्या काम कराया इन 5 सालों में? देखिए, काम कराया है विधायक जी ने सभी जगह, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां नहीं पहुंच पाई है उनकी अभी स्थिति, लेकिन हम लोग पूरी तरह से भाजपा के सपोर्ट में है, भाजपा के सपोर्ट में है। कुछ क्षेत्रों में अभी काम नहीं हुआ है लेकिन काफी क्षेत्रों में काम हुआ है। आप बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी और विधायक जी ने 5 सालों में कितना काम कराया है? देखिए, सरकार तो बाबा जी की बनेगी, ठीक है ना, योगी जी की सरकार बनेगी। विधायक जी ने कितना काम कराया है? लेकिन विधायक जी की ना काम तो ठीक ठाक कराया है लेकिन प्रॉपर काम नहीं हो पाया अभी। हाँ जी, तो प्रॉपर काम नहीं हो पाया। आप बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? हम तो इस सरकार से बड़ा संतुष्ट है, बहन भी बड़ा आराम से रात को भी जा सकती है, विकास भी खूब हुआ है, लेकिन विधायक जी का कार्यकाल ठीक नहीं रहा है। विधायक जी का कार्यकाल ठीक नहीं, 5 साल यहाँ रहे हैं, कितना काम उन्होंने कराया है? काम तो कराया, गांव देहातों में कराया है, सिटी में बहुत कम कराया है। सिटी पे काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो इस बार क्या देखते हैं आप, किसकी सरकार? सरकार अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी वोटर कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा कि किसकी सरकार होगी, और भी कुछ वोटर हैं उनसे बात करेंगे। आप बताइए इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, विधायक जी ने कितना यहाँ काम कराया है? विधायक जी ने जो काम किया है, विधायक जी की गाड़ी जो विकास के लिए चली वो चली हिंदुत्व से शुरू हुई और गाय पे जाकर खत्म हो गई। अच्छा। काम की अगर बात करें तो यहाँ काम के नाम पर जीरो टॉलरेंस की स्थिति है। अब सिर्फ बीजेपी जो वोट मांग रही है वो मांगेगी हिंदुत्व के मुद्दे पर, उनका विकास का कोई मुद्दा नहीं है। जनता त्रस्त है, परेशान है, महंगाई है, सिलेंडर को देख लीजिए, चाहे बिजली को देख लीजिए, किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, जो रसोई से जुड़ी हुई चीजें सब पे महंगाई है। कहीं ना कहीं जनता इनको इस बार इस विधानसभा चुनाव में सही जवाब देगी और ठीक जवाब देगी। तो कहने के बिल्कुल महंगाई का एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, आपसे बात करूंगा। आप बताइए कि मैं इस बार किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप, विधायक जी ने कितना काम कराया, क्या देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताऊँ, मेरा नाम गजेंद्र वर्मा है, मैं एदमापुर विधानसभा जहाँ से हम खड़े हैं, एदमापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। मैं समझता हूँ आगरा की 9 विधानसभाओं में सबसे बड़ी विधानसभा हमारी एदमा विधानसभा है और माननीय विधायक राम प्रताप जी ने इस पिछले 5 साल के कार्यकाल में, 4 साल हो गए, 5वां चल रहा है, और इस साल काफ़ी काम कराया है क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कराया। और मैं समझता हूँ कोरोना काल के दौरान 1 साल का जो निधि नहीं मिली उससे भी कहीं दिक्कतें हुई विधायकों को, और जितना काम माननीय विधायक जी ने इस बार कराया है राम प्रताप जी ने, मैं नहीं समझता कि हमारी विधानसभा इससे पहले किसी विधायक ने कराया। विधायक जी ने काफी काम कराया है लेकिन लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। इस बार जो वोट करने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा सामने निकल के आ रहा है। विकास हुआ है लेकिन पूरा विकास नहीं हुआ है, ये लोगों का कहना है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक और फिर से विवादित बयान दिया है।
विवादित बयान देते हुए भारतीय राजनीति में ओवैसी को दूसरा जिन्ना बता दिया। कहा कि भारत की दूसरा जिन्ना पैदा हो चुका है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओवैसी भारतीय राजनीति में शामिल होकर देश को खंडित करने की साजिश कर रहा है। ऐसे में दूसरे जिन्ना से सावधान रहने की जरूरत है। जैसे उस जिन्ना की बढ़ाई हो रही है, उसी तरह इस प्रजातांत्रिक जिन्ना की ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश बढ़ाई कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी को प्रजातंत्र का आतंकवादी तक कह डाला। और एक सच ये भी है कि 1947 में मिली आजादी खंडित आजादी थी, केवल नेहरू और गांधी की वजह से हमें ऐसी आजादी मिली। ये भाव आज भी मन को कचोटता और दुख देता है। आजादी की जो भारत को मिली थी, खंडित आजादी मिली, उसी समय देश का बंटवारा हो गया, केवल नेहरू और गांधी के चलते। यह भाव आज भी मन को कसोटता है। आज भी अभी भी कह रहा हूँ कि ओवैसी प्रजातंत्र का एक तरह से आतंकवादी है। और मैं तो और थोड़ा मर्यादित भाषा में कहूँ तो इस समय भारत की राजनीति में जिन्ना का दूसरा रूप ओवैसी ही है। दूसरा रूप पैदा हो चुका है। ये भारत को खंडित करने के लिए राजनीति प्रारंभ किया है, क्योंकि राजनीति प्रजातंत्र में रह करके, राजनीति करके ही इस देश को जितना नुकसान किया जा सकता है वो करने की साजिश रच रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने इंडिया न्यूज से बात करते हुए बताया कि गंगा महासभा के आमंत्रण पर और दूसरा यहां के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से उनकी समस्याओं से रूबरू होने पहुंचे हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि समाज में बहुत सी समस्याएं हैं जो समाज में बैठकर ही हल करनी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुन लेते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। आज बनारस आए हुए हैं। सर, पहले तो इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत मेहरबानी जी। ये बनारस आप आए हैं तो क्या कार्यक्रम रहा, क्या ऐसा बनारस में कार्यक्रम था आपका, क्या आपका आए? मैं एक तो गंगा महासभा की तरफ से उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, उसमें प्रोग्राम में शामिल होना था। दूसरा, अल्पसंख्यक जो यह समुदाय है यहाँ, उनसे मिलना था। डीएम साहब और जो डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं, डीसीपी हैं, उनसे मिलना था। तो ये सारे उन सभी लोगों से मिले हैं और अल्पसंख्यक लोगों ने बहुत सारी अपनी समस्याएं बताई हैं। तो राइट क्वार्टर्स पे कुछ लोग तो यहाँ हल करने वाली हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अफसर बैठे हैं, वो आप हल कर देंगे। जो रह गई वो हम केंद्र लेवल पे जाके गवर्नमेंट के द्वारा, अगर भारत सरकार के द्वारा कुछ होने वाला है वो मिलके करवा देंगे। आप जब संबोधित कर रहे थे, आपसे लोगों ने अपनी बातें रखी, तो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग जो थे उन्होंने अपनी कई सारी समस्याएं रखी, जैसे एजुकेशन की जो सबसे बड़ी उनकी समस्या थी, उस पर अल्पसंख्यक आयोग क्या कार्य कर रहा है? देखो, हमारा सबसे बड़ा कार्य है ना, वो है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। अभी तक जो पूरा जोर रहा वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात चलती रहती है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है एजुकेशन की, उस पे लिए हम काम करेंगे। दूसरा काम है एम्प्लॉयमेंट का। हमारे इतनी स्कीमें हैं, अगर किसी ने विदेश में भी एजुकेशन लेनी है तो उसको भी 3% पे लोन मिल रहा है। अगर कोई उसका लगता है कि लोगों को मालूम ही नहीं है, इसलिए अवेल नहीं कर पाते। दूसरी बात, PhD तक तो पैसे हम दे रहे हैं, IAS करने के लिए भी अगर कोई प्रिलिमिनरी पास करता है तो उसको स्टाइपेंड मिलता है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से IAS कर सके। अगर अल्पसंख्यक कम्युनिटी से बात करें, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया जा रहा है? जैसा कि माइनॉरिटी में महिलाओं का कहना है कि हमें बहुत दबाया जाता है। माइनॉरिटी में 3% पे लोन औरतों को मिलता है, जो आदमियों के लिए 6% है। ट्रेनिंग के लिए पैसे भी देते हैं, ट्रेनर को भी पैसे मिलते हैं। बाकी दूसरी बात यह है कि समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं जो तो समाज ने खुद बैठ के हल करनी है। औरत जो है उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, औरत का जो बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये समाज की जिम्मेवारी है। जिस देश की औरत जो है वो महफूज नहीं होगी, औरत जो है नहीं बढ़ेगी, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी थे। इन्होंने बताया कि माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष होने के नाते ये बनारस आए हैं और इनका ये बनारस दौरा बेहद अहम रहा। यहाँ की जो माइनॉरिटी की जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी,
उसके बाबत इन्होंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात करी, सीपी से मुलाकात की, और जहाँ तक रही बात हायर एजुकेशन की तो उसके लिए भी इन्होंने कहा कि सतत प्रयास किए जा रहे हैं और हायर एजुकेशन अच्छे से अच्छी तालीम दिया जा सके लोगों को, उसके लिए अल्पसंख्यक आयोग लगातार प्रयासरत है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और इस बीच शुरू कर रहे हैं बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसपा सुप्रीमो मायावती से फोन पर बात की है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती के माताजी के निधन को लेकर के जैसे ही जानकारी मिलती है तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी तुरंत जो है फोन पर बातचीत की जाती है, और उनकी मां के निधन किसी के जीवन की अपूर्णीय क्षति होता है, ये इस दौरान उन्होंने कहा। तो सीएम योगी ने बसपा प्रमुख से फोन पर बात की है और ईश्वर मायावती जी को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ये सीएम की तरफ से कहा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसपा सुप्रीमो से फोन पर बात की है और इस दौरान ढांढस बनाने की कोशिश की। मायावती की माताजी के निधन पर मुख्यमंत्री के द्वारा शोक जाहिर किया गया। वहीं पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ करने वाले लोनी बॉर्डर थाने के इंचार्ज के तबादले पथ में राजनीति गर्म है। आपको बताएं कि लोनी बॉर्डर थाना इलाके में 7 पशु तस्कर मुठभेड़ में घायल हुए थे और इस मुठभेड़ के बाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने थाना इंचार्ज को सम्मानित किया था। बीते दिन एसएसपी ने उसी थाना इंचार्ज राजेंद्र त्यागी का तबादला कर दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक ने अधिकारियों पर पशु तस्करों से मिलीभगत का ही आरोप लगा दिया है। और इस बारे में विधायक ने एक पत्र भी एसएसपी को लिखा, उसमें मांग की है कि लोनी बॉर्डर थाने के इंचार्ज का तबादला निरस्त होना चाहिए। इसकी कॉपी उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। और साथ ही साथ नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया है कि पशु तस्करों का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर राजेंद्र त्यागी को अपमानित किया गया। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि यह सब पशु तस्करी से जुड़े व्यक्ति को बचाने के लिए ही किया गया है। के द्वारा गो तस्करों का एनकाउंटर करने पर पुरस्कृत करने के बजाय जिस तरह से लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी को तबादला करके उनको अपमानित करने का काम किया है, उससे गो तस्करों के हौसले बुलंद हुए, अपराधियों का हौसले बढ़े। पूरे जनपद में जिस तरह से पूर्व में जितने कप्तान थे उन्होंने बहुत कठोर कार्रवाई की और गोहत्या का गढ़ बन चुके गाजीबाद को बिल्कुल एक भी गोहत्या की घटना सामने नहीं आई थी। उनके आने से लगातार गोहत्याएं बढ़ी हैं और इसमें साफ हो गया है इस तरह से मकान मालिक को बचाने के लिए इन बड़े अधिकारियों ने एक सांठगांठ की दो गो तस्करों से, और जब इंस्पेक्टर ने उनकी बात को नहीं सुना तो उनको वहां से हटाया गया। इसकी मैं निंदा करता हूं, मुझे उम्मीद है प्रदेश सरकार इसमें कार्रवाई करेगी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपनी गलती को मानते हुए उनका तबादला निरस्त कराएंगे, जिससे कि पुलिस का हौसला बढ़े और अपराधियों इन भू तस्करों का सफाया कर सके। वहीं दिल्ली से कई जिलों में स्वागत के बाद रास्ते होते हुए सुल्तानपुर पहुंची अन्नपूर्णा देवी पुनर्स्थापना शोभा यात्रा का जिले के जमोली बॉर्डर पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट आप देखिए। 100 वर्ष पूर्व भारत के काशी क्षेत्र से चोरी होकर कनाडा गई माँ अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति भारत वापस आई है। 11 नवंबर को दिल्ली पहुंचने के बाद कई जिलों से होकर अयोध्या के रास्ते सुल्तानपुर पहुंचने पर आज आप ये शोभा यात्रा देख रहे हैं कि यहाँ पर ये शोभा यात्रा आई हुई है जो अयोध्या के रास्ते होकर के चौरे बाजार होते हुए सुल्तानपुर के जमोली बॉर्डर पर पहुँची है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद है। श्रद्धालु में खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ये शोभा यात्रा सुल्तानपुर में लगभग 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर इसका स्वागत किया जाएगा। सुल्तानपुर के 4 विधायक यहाँ पर मौजूद है, सीताराम वर्मा, विधायक सुरभान सिंह, विधायक देवमणि द्विवेदी, विधायक राजेश गौतम सहित डॉक्टर आर्य वर्मा जिलाध्यक्ष ने इसका जोरदार स्वागत किया है। आप देख रहे हैं सुरक्षा के बाबत यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ चल रही है। आप देख रहे हैं कि शोभा यात्रा के पीछे श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। बीजेपी विधायक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें प्रदूषण बढ़ने का जिम्मेदार बताया। मामला दिल्ली से सटे लोनी से जुड़ा है। लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि लोनी में दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल की लापरवाही के चलते प्रदूषण बढ़ा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो लापरवाही है और जो भ्रष्टाचार उसके कारण दिल्ली का AQI 500 से ऊपर चला गया है, उसका प्रभाव मेरी विधानसभा लौनी और गाजियाबाद जिले पे पूरी तरह से पड़ता है, क्योंकि जो बॉर्डर के आसपास के एरिया उनके यहाँ पूरी प्लास्टिक प्रदूषण जलाने का जितना भी काम हो सकता है अवैध फैक्ट्रियाँ सारी चलाई जा रही हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बुरी तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो उगाही करने का काम कर रहे हैं। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको पालन कर रहे तो तत्काल इस पर राहत पब्लिक को दिलाने का काम करें, अन्यथा इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पीलीभीत से खबर, जहां नाबालिग छात्रा के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और कोचिंग के लिए घर से निकली छात्रा रास्ते से गायब हुई थी। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। नग्न अवस्था में नाबालिग छात्रा का शव मिला और शव के पास बियर और शराब की बोतलें भी मिली हैं। मुंह में कपड़ा ठूस कर नाबालिग के साथ दरिंदगी की गई और चश्मदीदों के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान थे। नहर के नन्हे के खेत में छात्रा का शव मिला है। बरखेड़ा थाना इलाके के डढ़िया राजे गांव का यह मामला है। एटा से खबर, जहां फांसी पर लटका मिला किन्नर का शव और किन्नर की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है और मृतक 4 साल पहले किन्नर बना था काशीराम कॉलोनी के पराग डेरी की यह घटना बताई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।